Hi guys, welcome back to the channel. मैं हूँ कोस्टॉप. तो आज का वीडियो है पंचर के ऊपर. जो मेरा हॉर्नेट 160R है उसका जो पिछले टायर है वो पंचर हो गया है, तो वही मैं आज ठीक कराऊंगा. तो आप तो घर में बैठे जो गॉज वगैरह होते हैं उससे आप ठीक कर सकते, मगर वो जो प्रोसेस वो मैं अप्लाई नहीं करूंगा. क्यों अप्लाई नहीं करूंगा वो मैं बाद में आपको बता दूंगा. तो पहले देख लेते हैं कहाँ पर पंचर हुआ है, उसके बाद मैं मैकेनिक शॉप में जाऊंगा, उसके बाद मैं जो पूरा प्रोसेस है कैसे वो लोग पंचर को ठीक करते वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा. क्यों ये प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा. तो चलिए पहले देख लेते हैं कहाँ पर पंचर हुआ है, तो उसके बाद जाते हैं मैकेनिक शॉप में. सब्सक्राइब कीजिए यंग इंडिया बाइकर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए बाइक मॉडिफिकेशन के बारे में सबसे पहले जानने के लिए. सो गाइस, ये बाइक का पिछले टायर रियर टायर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आयरन का हिस्सा यहाँ पर अटक गया है, इसलिए ये पंचर हो रहा है. प्रेशर नहीं रह रहा था बहुत दिन से. मैं उसके बाद चेक किया तो देखा यहाँ पर ये अटक गया है अंदर. तो चलिए आप जाते हैं. We go losing self-control. I keep telling myself. तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए. अब अगर कभी भी रिमोट एरिया में राइडिंग करने जाते तब गॉज यूज़ करने या फिर इमरजेंसी टाइम में आप गॉज यूज़ कर सकते हैं. अभी अच्छा तो है मैं नहीं कहूँगा, काम चलाने के लिए ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है जो टायर है वो ख़राब हो जाता है. अब उसको करके रखेंगे पंचर ठीक हो जाएगा, मगर वो टायर के अंदर कुछ हिस्सा चला जाते हैं, तो उससे क्या होता है जो टायर है वो दिन के दिन ख़राब होता रहता है. तो इसलिए वो प्रोसेस में अप्लाई नहीं करता. अगर आपके पास टाइम है, आप टायर को और भी ज़्यादा यूज़ करना चाहते, उसे ख़राब ना होना देना चाहते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो प्रोसेस मैं अभी कराने जा रहा हूँ इसको अप्लाई करें, क्योंकि इससे जो टायर है वो ठीक रहता है. क्योंकि ये अंदर से खोल के ये लोग इसको ठीक कराते हैं, बाहर से करेंगे तो आसान है. हम लोग जो किट वगैरह आते हैं पंचर किट, उससे हम लोग ठीक करा सकते हैं, मगर वो अप्लाई करने से टायर ख़राब हो जाता है. मेरा फ्रेंड्स लोग जो भी गॉज यूज़ किया है तो क्या होता है कुछ दिन बाद वो ख़राब हो जाता है, इसलिए वो प्रोसेस अप्लाई करना नहीं चाहिए आपको. कॉस्टिंग का डिफरेंस है वो है, अगर आप मैकेनिक शॉप में जाके गॉज से करेंगे तो उसमें कॉस्टिंग आएगा 40-50 रुपीस, और जो ये प्रोसेस है जो अंदर से वो लोग करते हैं पूरा जो रीम है उसे टायर को अलग करके अंदर से, जो उसमें कॉस्टिंग आता है 70-80 रुपीस. तो कितना ज़्यादा है, 20-30 रुपीस डिफरेंस है इसमें. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यही करो, ये वाला प्रोसेस ही आप लोग अप्लाई करो, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा होगा आपका. ठीक है, आप अगर जल्दी में हो, जल्दी आपको कहीं पर जाना है, पंचर हो गया है, तो आप गॉज वगैरह लगा सकते हो, मगर बाद में उसको ज़रूर से ठीक कर लेना, क्योंकि अगर उसको ठीक नहीं करोगे तो क्या होगा, वहाँ से जो है टायर ख़राब होता जाएगा और जो टायर है वो ज़्यादा दिन तक नहीं भी चलेगा. मुझे डेप्थ लेना है, तो ये जो बस स्टैंड है यहाँ पर, यही में वो एरिया है. Darkness.
is when there's no more light that you can see. I'll take us back to times when lives were similar and times that all seemed easier. आप लोगों ने देखा जो मैकेनिक था वो कैसे जो पंचर हुआ था उसको ठीक किया, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ गॉज और जो ये प्रोसेस है इसमें डिफरेंस क्या है। तो गॉज वगैरह जो हम बाहर से उसको लगाते हैं उसमें क्या होता है, जो टायर होता है वो खराब हो जाता है। तो अगर आपका इमरजेंसी है, आप गॉज वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगाइए, अगर बाद में उसको ठीक कराए कोई भी मैकेनिक शॉप जाके, पंचर जो शॉप वगैरह होते हैं वहाँ पर जाके इसको अच्छे से जो टायर खोल के उसको अंदर से ठीक करा लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो टायर अंदर से ठीक किया तो वहाँ पर आपको दिखा होगा कि दोनों वहाँ पर पट्टियाँ उन्होंने दिया दो लेयर का, पहले एक छोटा वाला लेयर दिया जो मेन पंचर का होल था वहां पर, तो उसके बाद उसके ऊपर और एक पट्टी उन्हें लगाया। ये सेफ्टी के लिए हुआ से, अब उन्होंने मुझे बोला कि हुआ से अब कभी भी नहीं पंचर होगा, दूसरे जगह से हो सकता है मगर हुआ से नहीं होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बाइक पंचर हो जाता है तो उसको कोई पंचर शॉप में जाके उसको ठीक कराए, गॉज वगैरह का यूज मत करिए अगर आपका इमरजेंसी ना हो तो।
तो आज का वीडियो ए तक है। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।